हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण दशहरे के बाद होगा। उससे पहले ही मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में हैं। आज नायब सिंह सैनी ने कई मंडियों का दौरा किया और अपने सभी 48 विधायकों को निर्देश दिया कि वो भी जीत का जश्न मनाने के बजाय किसानों के बीच जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। हरियाणा में हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी तेज कर दी है। नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा के बाद होना तय है। कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और पुराने कैबिनेट के किन चेहरों का पत्ता कटेगा, इस पर भी मंथन जारी है। इसी सिलसिले में सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। चंडीगढ़ लौटते ही नायब सैनी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी के सभी 48 विधायकों को फील्ड में एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। विधायकों को धान खरीदी वाली मंडियों का दौरा करने का आदेश दिया है ताकि किसानों को दिक्कत नहीं झेलनी पड़े। जिला अधिकारियों को किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। देखियो, किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना रहे, मैं स्वयं पीपली मंडी में हूँ।